खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है। ये खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है। इरफान सत्तर साहब की लिखी हुई ये गज़ल है और काफ़ी खूबसूरत निषाद की कंपोजिशन है जी। और जैसा कि आपने छोटी सी जो क्लिप सुनी, टीज़र सुना, उसमें ओशिन शर्मा ने ही गाई है वो, और दिसंबर में हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी जब हमने काफ़ी कुछ लाइव वीडियोस भी किए थे। आपने देखा होगा ओशिन शर्मा को उसमें, और काफ़ी यू नो हम साथ में ही सीखे हैं, आप सभी जानते हैं, और उसमें आप काफ़ी इनकी गायकी से अपरिचित हैं ऑलरेडी। गज़ल गाते हैं, गीत गाते हैं, भजन वगैरह सब गा लेते हैं ये, ठीक है। तो आज एक छोटा सा उसी के बारे में हमने एक वीडियो बनाना चाहा कि क्योंकि वो गज़ल जो है 15 अप्रैल को मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी टीज़र में उसका हिंट है। और कुछ गज़लें हमने रिकॉर्ड करी थी दिसंबर में, जो आपने हिमाद्री व्यास की सुनी, और एक इनकी गाई हुई गज़ल है और एक मेरी ही गाई हुई गज़ल है जो कि भी जल्द आपको सुनने को मिलेगी मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे। तो आज उसी एक गज़ल के कुछ एक शेर हम गा के सुनाते हैं आपको, जो कि उस रिकॉर्ड में नहीं है, ओरिजिनल रिकॉर्ड में नहीं है। तो इरफान सत्तर साहब की जो लिखावट है, उनकी जो उनका जो सुखन है, उससे आप परिचित हो पाएंगे उनकी पोइट्री से। तो राग मधुवंती में जैसे कि वो गज़ल है, तो उसी का एक शेर हम थोड़ा सा आपको अभी सुनाते हैं। अब तो बस मालूम करना है कि क्या मौजूद है। ये खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है। तो आई होप आप लोगों को ये गज़ल पसंद आएगी। आप शेयर कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा, जैसा कि आपने मेरा इश्क तू को प्रमोट किया और आज वो 10,000 व्यूज़ तक पहुंच गया है। तो आई होप कि ये गज़ल भी उसी तरह फ्लोरिश हो और आगे से आगे चले। तो बस देखते रहें, इंतज़ार करें, 15 अप्रैल को मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे वो गज़ल आप सभी के सामने आएगी। उसका ऑडियो फॉर्म है, वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से हमारे वो वीडियोज़ नहीं रहे हमारे पास, लेकिन उनके ऑडियोज़ जो हैं उनको हम थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा अच्छा एडिट करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, और एक ऑलरेडी कर चुके हैं और एक आने वाला है। तो उसमें जो अकंपनिस्ट हैं, मैं उनके बारे में भी जिक्र कर दूँ, क्योंकि गाई ओशीन नहीं है और हारमोनियम पर भी यही हैं, तबले पर अमरजीत भैया हैं, पर हमने उसको क्योंकि रीडब भी किया था उसकी कुछ कुछ चीज़ें, तो उसमें जो म्यूज़िक पीसेस बजेंगे हारमोनियम के वो मैंने खुद ने बजाए हैं और संगत की है इनकी, जैसा कि इन्होंने गाया है उसमें। और उसमें जो कीबोर्ड पर है और सिंथ जिसने बजाया है वो है वंश भास्कर सिन्हा, मेरा ही एक फ्रेंड है, और उन्हीं ने उसकी मिक्स मास्टर भी करी है। तो आई होप आपको पसंद आएगी। आप वेट कीजिए 15 अप्रैल को, एंड मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।